जी अगला सवाल है साथी पूछते हैं, जैसे कि इससे पहले मजलिस में भी सवाल गुजरा था लेकिन यहाँ पर और एक दलील देते हुए साथी कहते हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि औरत जो है ना चिमट कर जमीन से लग कर सजदा करे, उसकी ये दलील कि वो हया की बात है, और दलील देते हैं कि जैसे कि सफा मरवा की जो सही है उसमें औरत को दौड़ने का हुक्म नहीं दिया गया जबकि वह असल सुन्नत औरत की थी लेकिन हया की वजह से वहां पर मना किया गया। देखिए यहां पर दो बात है, एक बात तो यह है कि आप कहते हैं कि चिमट करके सजदा करेगी या रफ़ल दैन नहीं करेगी क्यों, इसलिए उसकी बेसतरी होती है, तो अगर घर में नमाज पढ़ती है तो कौन सी बेसतरी है, वहां क्यों आप उसका उसको लाजिम करार देते हैं, घर में नमाज पढ़े तो ठीक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके पर पढ़े। नहीं, एक हया की भी कोई चीज होती है ना, चाहे वो किसी के सामने हो या तन्हाई में भी हो भाई, तो इसमें जो है सीधे बैठने में हया कौन सी है और रफ़ल दैन करने में कौन सी हया, क्या दखल है उसमें, क्या हया का दखल है उसमें, कौन सी बेहयाई है। और यह दलील देना कि औरत सफा और मरवा नहीं, देखिए असल चीज यह है कि हर वो काम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो मर्द औरत दोनों के लिए है, इल्ला एक किसी की खसूसियत हो जाए। आप रसूल जिस तरीके से मर्दों के लिए आए थे औरतों के लिए भी आए थे, فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض بعضكم من بعض, तुम क्या है एक दूसरे के तरह हो, तो शरीयत के जो अहकाम हैं हर एक के लिए बराबर है इल्ला एक की खसूसियत की कोई दलील पाई जाए। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस है जो काबिल एतबार हो, काबिल हुज्जत हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को चिमट करके सजदा करने का हुक्म दिया है, ऐसी कोई सही सही हदीस कोई भी एक बात मरासील पाई जाती है, वो भी कोई मरफू हदीस ने वो जिसे कहते हैं मुत्तसिल हदीस नहीं, बात मरासील है बस मुरसल हदीसें हैं और मुरसलबा तो ज़ईफ़ हुआ करती है कि नहीं। अच्छा दूसरी बात लेकिन दूसरी बात यह है क्या इसके ऊपर इजमा है कि उलमा ने इजमा कर लिया हो, जहां तक आप सही की बात पेश करते हैं इस सिलसिले में देखिए दो चीजें, अव्वल हते अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला की हदीस अल मुसन्नफ इब्न शहाब वगैरह में सही सनद के साथ उनका असर हदीस नहीं है, अब्दुल्लाह इब्न उमर का असर कि औरतों के ऊपर रमल और सय में दौड़ना नहीं है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का सुन्नत की पाबंदी के बारे में कितना सख्त मौकफ था आप लोग जानते हैं, है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि इब्नुल मुंजिर ने सराहत के साथ यह नकल किया है कि उलमा का इस पर इजमा है कि औरत रमल नहीं करेगी, औरत इस्तिबा नहीं करेगी, औरत सय के दरमियान दौड़ेगी नहीं, ये इजमा है उलमा का, और उलमा के नजदीक दहबत इजमा भी एक हुज्जत है, हुज्जत नहीं है। इसीलिए शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा कि असल ये है कि सय के अंदर जिस तरीके से मर्द दौड़ता है औरत भी दौड़े, खासतौर पर ऐसे वक्त में रखा तो अभी तो नहीं है लेकिन पहले था कि रात में अंधेरा रहा करता था अंधेरे में हो, लेकिन शेख इब्न उसैमीन ने कहा लेकिन चूंकि बहुत से उलमा ने इजमा नकल किया है लिहाजा इजमा है तो इस बारे में मेरा कोई कौल नहीं है। तो ये दो चीजें जो है, एक तो इजमा, दूसरे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से बसनद सही वारिद होना, क्या औरत के नमाज का जो फर्क आप बताते हैं इसकी भी कोई दलील है आपके पास, रते अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे फकीह और मुत्तबे सुन्नत सहाबी का कोई कौल है आपके पास, या इजमा इस सिलसिले में है। सही बुखारी में है कि हज़रत उम्मे दर्दा के मन कानत तजलिस जिलसतर रजुल वकानत फकीहा, कानत फकीहा औरतों की तरह मर्दों की तरह बैठती थी और वो फकीह थी, इसका मतलब क्या है, यानी ये सिर्फ नादानी की बुनियाद नहीं थी, उनकी फिक्र का ये था जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लु कमाराय तुम सल्ली जैसे मर्द उसके पास औरतों के पास। हाँ जिन चीजों में औरतों की खसूसियत है, मिसाल के तौर पर अगर मर्द अगर इमाम से गलती हो तो मर्द क्या कहता है सुबहान अल्लाह, लेकिन औरत क्या करेगी सुबहान अल्लाह नहीं कहेगी, तो ऐसी जो खसूसियत दलील से वारिद है उस पर अमल किया जाएगा, जो खसूसियत नहीं है उसके बारे में क्या होगी वो जी। कियास से काम नहीं दिया सकता भाई, कियास इसके नस के मुकाबले सल्लु कमाराय तुम सल्ली नस के मुकाबले में कहां कियास है, कियास वहां हो नहीं नहीं जहां पर जैसे मिसाल के तौर पर पूरे उम्रे के इसमें ये साफ समझ में आता है कि यहां पर हया के पहलू को सामने रखा गया कि औरत चूंकि बाहर होती है भाई, चूंकि देखिए दौड़ना अलग चीज है और नमाज पढ़ना, वहां हया क्या चीज है भाई, मैं कहता हूं घर में पढ़ती है अकेले तब क्यों ऐसा करती है, तुम्हारे हाथ मस्जिद में आना भी जायज नहीं औरतों के लिए, है कि नहीं, नमाज कहां पढ़ाते हैं आप औरतों को, घर में पढ़ाते ना, वहां हया क्या मामला है, शरीयत घर में होते हुए भी बसा औकात भाई उसमें ठीक है बरहना ना रहे, ये कहां है कि चिमट करके बैठे ऐसे, ये कहां है, और इसमें कौन सी हया का पहलू है सीधे बैठने में, मैं नहीं समझता, और रफ़ल यदैन ऐसे करे या सीने तक कोरता इसमें पहलू है, ये कौन सा पहलू हया का जी।
سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، یعقوب عزیز 00966-5089-59707، واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، عبدالسلام عمری 00966-5026-2762، نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔